किन किन फिल्मों से मिला इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट, किसकी कहानी को कैसे लाया सिनेमा ने सामने। जब बॉलीवुड सितारों ने पर्दे पर उतारी सेना की कहानी, हर किसी की आंखें हुई नम और आर्मी की पावर और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। आज 15 जनवरी को पूरा देश सेना दिवस मना रहा है और आजादी के बाद से हर साल ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। आर्मी डे के मौके पर देश प्रेमियों का प्यार और जज्बा सोशल मीडिया पर आसानी से देखा जा सकता है। इस मौके पर पूरा देश भारतीय सेना के साहस और उनकी वीरता को सलाम कर रहा है। सेना के बलिदान को हमेशा बॉलीवुड ने भी सराहा है। हमेशा से ही बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनती आ रही हैं जहां आर्मी की पावर और उनके बलिदान को दर्शाया गया है। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्हें फिल्म में ही सही लेकिन भारतीय सेना की वर्दी पहनने का मौका मिला है। ऐसे में चलिए देखते हैं बॉलीवुड की ऐसी खास फिल्में जिन्होंने सेना को किया है सलाम। सबसे पहले बात करती है फिल्म शेरशाह की। हाल ही में रिलीज हुई विक्रम बत्रा की बायोपिक जो सिनेमा की तरफ से कैप्टन को एक छोटा सा ट्रिब्यूट था, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार सिद्धार्थ ने निभाया था, जिसके बाद सिद्धार्थ की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ गई है। आगे बात करें तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए विक्की कौशल को नेशनल फिल्म एक्टर अवार्ड भी मिला था। 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में हुए आतंकवादी हमले पर यह फिल्म आधारित थी। बात करते हैं फिल्म लक्ष्य की तो ऋतिक रोशन, पीटी जिंटा, अमिताभ बच्चन, ओम पुरी और बुमान इरवानी समेत कई सितारों से सजी लक्ष्य फिल्म को फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में ऋतिक लेफ्टिनेंट करण शेरगिल की भूमिका में नजर आए थे। चलिए बात करते हैं अब फिल्म केसरी की। 12 सितंबर 1897 को भारत के सारागढ़ी में हुए महान युद्ध पर आधारित ये फिल्म थी, जिसमें अक्षय कुमार का सिख अवतार दर्शकों को देखने को मिला था। फिल्म में हवलदार ईश्वर सिंह के जज्बे को बखूबी पर्दे पर दिखाया गया है। बात करें अगली फिल्म बॉर्डर की तो 1997 में आई फिल्म बॉर्डर फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, जिसके गाने समेत फिल्म की कहानी ने दर्शकों को खुश कर दिया था। आज भी अगर इंडियन आर्मी से जुड़ी फिल्मों की बात हो तो इस फिल्म को नकारा नहीं जा सकता। बात करते हैं अब फिल्म पलचन की। जेपी दत्ता की फिल्म पलचन एक वॉर ड्रामा बेस्ड फिल्म थी। फिल्म पलचन का विषय एक सत्य घटना पर आधारित था, जिसमें गुरमीत चौधरी, सोनू सूद, लव सिन्हा और जैकी श्रॉफ जैसे कई सितारे नजर आए थे। आपने तो सुना ही होगा उस फिल्म का नाम जो कि है हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। साल 2014 में आई अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी हिट फिल्म थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 178 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म की कहानी और अक्षय का दमदार अंदाज सभी को काफी पसंद आया था। रीसेंट फिल्म में परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण 11th और 13th मई 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के इर्द गिर्द की गई फिल्म घूमती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। इस फिल्म ने लोगों को याद दिलाया था भारत का वो करिश्मा जिसका गूंज पूरी दुनिया में सुनाई थी। तो ये थी कुछ वो फिल्में जिसमें देश के जवानों को ट्रिब्यूट दिया गया था। आपको आज के दिन कौन से ऐसे किस्से की याद आ जाती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो आपको देश की आर्मी के बलिदान को याद दिलाए। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें। नाउ दिस इज योर होस्ट पलक साइनिंग ऑफ एंड विल बी बैक सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। अलविदा।